तो गाइस बिग बॉस को मिल गए हैं पहले दो कंटेस्टेंट जो फिनाले वीक में जाने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो दो कंटेस्टेंट कौन हैं जो टॉप 5 की रेस में पहुंच गए हैं। सो गाइस जैसा कि हमने कल एपिसोड में देखा कि बिग बॉस ने सना मकबूल को एक सेकंड चांस दिया और उसको दोबारा से जनता का एजेंट बनाया, यानी कि वो अब वापस से भारवाली बन गई है। और इसके ही साथ साथ रणवीर शौर्य ने सना मकबूल को नॉमिनेट भी नहीं किया, जिसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि सना मकबूल को अब बिग बॉस फिनाले वीक में पहुंचाना चाहते हैं। और रणवीर शौर्य भी फिनाले वीक में जाने वाले हैं क्योंकि उनके पास हेड ऑफ द हाउस की पावर है और वो जनता के एजेंट भी हैं, जिसके चलते वो इस वीक के नॉमिनेशन से पूरी तरीके से सेफ हैं। तो देखा जाए तो रणवीर शौर्य भी अब फिनाले वीक में पहुंचने वाले हैं। कहीं ना कहीं बिग बॉस भी ये चाहते हैं कि ये दोनों कंटेस्टेंट फिनाले वीक में पहुंचे, क्योंकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया से पहले बिग बॉस ने सना मकबूल को भारवाला बना दिया था और फिर रणवीर को बोला गया था कि आप सना मकबूल को नॉमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि वो भारवाली बन गई है। जिसके चलते अब बिग बॉस ने सना मकबूल और रणवीर शौर्य का टिकट टू फिनाले कंफर्म कर दिया है। पर अब देखना यह है तीन कौन कंटेस्टेंट होंगे जो फिनाले वीक में पहुंचेंगे। गाइस आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। गाइस हम बिग बॉस को 24 आवर्स देख रहे हैं और इसकी सारी खबर हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रही है, तो हमें फॉलो करके सब्सक्राइब जरूर करिए।